हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने एक मीडियम साइज का प्याज और टमाटर लिया है, जिनको हमने इसे रफली चॉप करके लिया है। ये एक मीडियम साइज का प्याज है और एक शिमला मिर्च है, जिसे हमने इसे क्यूब्स में कट करके लिया है। ये स्वादानुसार हमें नमक लगेगा। एक टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, एक टीस्पून कसूरी मेथी है, ये 200 ग्राम हमने पनीर लिया है, पनीर के भी ऐसे पीसेस करके लिए हैं। ये एक टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, एक टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है। ये कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें कि 1/2 टीस्पून जीरा है, 2-3 हमने लवंग ली है, 2-3 हमने इलायची ली है, 7-8 हमने काली मिरी ली है और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। ये 1 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और ऑयल हमें सब्जी बनाने के लिए लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स, कढ़ाई पनीर बनाना शुरू करते हैं। गैस का फ्लेम ऑन करके हमने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है थोड़ा सा। इसमें अभी हम ये पनीर के पीसेस फ्राई करेंगे। पीसेस को थोड़ा एक साइड से कलर आने देंगे, फिर हम उसे पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसको थोड़ा सा फ्राई करके लिया है पनीर को, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी में। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में अभी हम ये थोड़ा सा शिमला मिर्च फ्राई करके लेते हैं। सब्जियाँ फ्राई करने से उनका सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हमें सिर्फ साते करना है थोड़ा सा ही। ये हमने 1 मिनट के लिए सब्जी को अच्छे से फ्राई करके लिया है। अभी इसे हम निकाल लेते हैं शिमला मिर्च। जैसे हमने शिमला मिर्च को फ्राई करके लिया है, उसी तरह से हम एक प्याज को भी फ्राई करके लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज का भी कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी हम इसे भी निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हमने थोड़ा ऑयल और ऐड करके इसमें हम ये सभी गरम मसाले डालेंगे और उन्हें थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। अभी इसमें हम ये प्याज ऐड करेंगे। एक 2 मिनट के लिए हम प्याज को भून लेंगे थोड़ा सा। इसके साथ ही इसमें हम ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, टोमेटो भी ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारे टोमेटो थोड़ा सा अपना पानी छोड़े। एक 2 मिनट हम इसे ऐसे ही भून लेंगे। हमें सिर्फ प्याज का कच्चापन और टमाटर का कच्चापन निकालना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। प्याज टोमेटो के मिक्सचर को हम मिक्सी में से बारीक करके लेते हैं। ये जो मिक्सचर हमने मिक्सी में से निकाला था, उसको हम छाननी में से छान लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी हम सब्जी के आके की प्रोसेस चालू करते हैं। इसके लिए हमने ये कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसके साथ में ही ये बटर इसमें ऐड किया है। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम उसमें ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे।
फिर अच्छे से मिक्स करते हुए जो हमने ये ग्रेवी बनाई है इसमें ऐड करेंगे। ग्रेवी को हम थोड़ा बॉईल होने देंगे। ये स्वादानुसार नमक हम इसमें ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके उसके ऊपर ढक्कन रख के ऑयल छूटने तक उसे पका लेते हैं। ये मैं इस पर ढक्कन रखती हूँ। आइए फ्रेंड्स, 5 मिनट हमने ग्रेवी को पकने दिया है। अभी हम चेक करते हैं। ये देखिए, उसका ऑयल पूरी तरह से ऊपर आ चुका है। अभी हम इसे थोड़ा सा मिक्स करके इसमें शिमला मिर्च और प्याज जो हमने फ्राई करके लिए थे ये इसमें ऐड कर लेते हैं। इसे वापस से 1-2 मिनट ऑयल छूटने तक वापस से पका लेते हैं। इसके ऊपर मैं ढक्कन रख लेती हूँ। आइए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारा ऑयल वापस से ऊपर आ चुका है। अभी हम इसमें ये 1 टीस्पून जो हमने फेनुग्रीक कसूरी मेथी ली है उसको थोड़ा सा हाथ पे ऐसा ये करके इसमें ऐड करते हैं। और इसके साथ ही हम ये जो गरम मसाला पाउडर है उसे भी ऐड करते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारा पनीर अभी इसमें हम ऐड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर को हमने ऐड करके लिया है इसमें अभी। और 1 ही मिनट के लिए हम अभी इसे पनीर को उसके साथ में मसाले के ग्रेवी के साथ में मिक्स करके रखते हैं और फिर सर्व करते हैं। ये देखिए, हमारे सब्जी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। हमारी सब्जी बन चुकी है, मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कढ़ाई पनीर की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लग रही है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।